महेश जेठमलानी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से दिया इस्तीफा, गडकरी के नेतृत्व पर उठा सवाल। महेश जेठमलानी ने लिखी गडकरी को चिट्ठी, कहा आपके बीजेपी अध्यक्ष रहते कार्यकारिणी में बने रहना मुश्किल। महेश जेठमलानी के इस्तीफे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, रूनी ने कहा गडकरी मामले में चल रही है जांच, आरोप लगाना ठीक नहीं। महेश जेठमलानी के पिता राम जेठमलानी ने भी उठाए थे गडकरी पर सवाल, सिंचाई घोटाले पर नाम सामने आने पर मांगा था इस्तीफा। केजरीवाल की टीम ने लगाए थे गडकरी पर धांधली के आरोप, गडकरी के खिलाफ जांच के दिए जा चुके हैं आदेश। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर फिर मचा बवाल, स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम को बताया एक जैसा आईक्यू वाला। आईक्यू में समानता पर गडकरी की दलील, एक ने इसका उपयोग गुनाह के लिए किया तो दूसरे ने समाज के लिए। बयान पर बवाल मचने के बाद पलटे गडकरी, कहा मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। दिल्ली में गडकरी गुस्से में गरजे, आईसीयू में सरकार शीत सत्र होगा उनका आखिरी सत्र। दिल्ली पहुंचने पर गडकरी ने दी सफाई, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। विवादों के बीच सुषमा स्वराज ने की गडकरी की तारीफ, दूरदर्शी सोच रखते हैं बीजेपी अध्यक्ष। गडकरी के बयान को दिग्विजय सिंह ने बनाया मुद्दा, कहा ऐसे बयान पर क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने भी साधा गडकरी पर निशाना, कहा दोनों की तुलना कर गडकरी ने दिया है खुद की बौद्धिकता का परिचय। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने कहा आरएसएस के स्कूल से निकले हैं गडकरी, वहां होती है ऐसी ही पढ़ाई। केशुभाई पटेल ने भी गडकरी के बयान को बताया गलत, कहा स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम की तुलना करना गलत। एक हफ्ते के व्यस्त कार्यक्रम के लिए अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे, एक दिन बाद जाएंगे गुवाहाटी। एक रैली में शामिल होने अन्ना जा रहे हैं गुवाहाटी, 9 नवंबर तक वापस आएंगे दिल्ली। कोर कमेटी के लिए दिल्ली में 10 नवंबर को होगी बैठक, 15 से 16 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। ट्राई की अनवांटेड फोन कॉल के लिए सख्ती, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नियमों का उल्लंघन। टेलीमार्केटिंग और विज्ञापन करने वालों को निर्देश, सिर्फ 100 एसएमएस ही मिलेंगे रियायती रेट पर। मायावती पर नहीं चलेगा ताज कॉरिडोर केस में मुकदमा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। मायावती के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, लखनऊ बेंच में दायर थी याचिका। माया सरकार के मंत्री को भी मिली राहत, नसीमुद्दीन पर भी केस चलाने के लिए दायर थी याचिका। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा मायावती पर आरोप लगाना गलत, जो किया अधिकारियों ने किया। याचिकाकर्ता पीसी पांडे का बयान, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली सीरीज पर फिर भड़के बाल ठाकरे, सामना में गृहमंत्री के खिलाफ निकाला गुस्सा। बाल ठाकरे ने सामना में दिखाए कड़े तेवर, कहा भारत पाक मैच नहीं होने देंगे, लोगों से भी की विरोध की अपील। शिवसेना चीफ ने की गृहमंत्री सुशील शिंदे की निंदा, कहा सीरीज पर फैसला करके की है बड़ी नादानी। भारत पाक मैच पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी उठाए सवाल, कहा फैसले का करते रहेंगे विरोध, सीरीज को बताया गलत। उमर अब्दुल्ला ने बाल ठाकरे के बयान को जताया राजनीतिक मजबूरी, कहा खिलाड़ियों को मुहैया कराए जाएंगी कड़ी सुरक्षा। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह की वापसी की खबरों को किया खारिज, अमर सिंह को बताया विश्वासघाती और धोखेबाज। समाजवादी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा पार्टी में अमर सिंह को अब कभी नहीं मिल सकती जगह। योग गुरु स्वामी रामदेव ने साधा सोनिया गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस खुद के लिए खोद रही है गड्ढा। गुजरात के नाडियाड में बाबा रामदेव का योग शिविर, कहा सोनिया को दुर्गा बताना है देवी का अपमान। केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैना का उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक पर सनसनीखेज इल्जाम, कहा माइनिंग घोटाले में लिप्त है पटनायक। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की रैली पर उठाए सवाल, कहा आयोजन की फंडिंग का पार्टी करे खुलासा। केजरीवाल बोले आरटीआई की बात कर दी है कांग्रेस, अब जानकारी देकर खुद को साबित करे पारदर्शी।
केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को घेरा, कहा रेट घटाने की डीईआरसी के आदेश को दबाया गया। स्त्री शक्ति पर चर्चा के बहाने शिवराज सिंह चौहान के सियासी बोल, कहा मनमोहन से शक्तिशाली है सोनिया। चौहान ने मायावती पर किया कटाक्ष, बोले है किसी में जीवित रहते प्रतिमा बनवाने की क्षमता। नोएडा साइबर सेल के हत्थे चढ़े चार लोग, अखबारों में लड़कियों से दोस्ती का विज्ञापन देकर लगाते थे लोगों को चूना। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार, एक लड़की भी हत्थे चढ़ी। दोस्ती के धोखे के नाम पर एक शख्स को लगाया 70,000 का चूना, पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। यूपी के सहारनपुर में नकली और मिलावटी टमाटर सॉस का खुला खेल, केमिकल मिलाकर बनाए जा रहे हैं खाने के सामान। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके के लोगों ने खुद उठाया अपनी सुरक्षा का जिम्मा, सोसाइटी में लगवाए 18 सीसीटीवी कैमरे। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग ने मारा सबसे बड़ा छापा, एक जौहरी के यहां रेड मारकर की 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का भंडाफोड़। 5 दिनों से जारी आयकर विभाग की रेड, 1.5 करोड़ नगद के साथ साथ 2 करोड़ का सोना भी जब्त, 28 ठिकानों पर हुई छापेमारी। हरियाणा के यमुनानगर में एक मॉडल के साथ रेप की वारदात, बड़ी फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर युवक 8 महीनों से करता रहा बलात्कार। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला, पुलिस ने किया आरोपी युवक को गिरफ्तार। दिल्ली के मायापुरी में झोला छाप, डॉक्टर की लापरवाही से गई 4 साल की मासूम की जान, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल ने 2 जजों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, कोर्ट से इंसाफ की गुहार। पीड़ित कांस्टेबल के मुताबिक हेलमेट नहीं पहनने पर काटा था जज के भाई का चालान, उस वक्त भी मिली थी धमकी। माहीलाल मीणा के मुताबिक जज ने अपने कोर्ट में करवाया ट्रांसफर, करना पड़ा चपरासी का काम। यूपी के फिरोजाबाद में जेल में हुई मौत पर हंगामा, परिवार का आरोप पुलिस की पिटाई से हुई मौत। लूट के आरोप में पकड़े गए थे 4 नौजवान, मौत पर भड़की भीड़ ने दारोगा की कर दी पिटाई। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नाले में गिरा टाटा 407, बाल बाल बचे 3 लोग। टेम्पो में बैठे 3 लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले, दूसरी गाड़ी को साइड देते वक्त नाले में गिरी गाड़ी। पिछले 3 महीने में 3 गाड़ियां नाले में गिरी, सेफ्टी वॉल और लाइट ना होने की वजह से हो रहे हैं हादसे। राजस्थान के उदयपुर में एक गोदाम में लगी भीषण आग, आग में करोड़ों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही गोदाम जलकर खाक, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से हादसा, 1 की मौत, 2 घायल। कार से आगरा घूमने निकले थे 3 नौजवान, टोल प्लाजा के पास ट्रक से भिड़ंत। हादसे में घायल 2 नौजवानों की हालत गंभीर, नोएडा की कंपनी में काम करते थे 3 दोस्त। मुंबई में घर में घुसकर बदमाश ने एक लड़की के साथ किया बलात्कार, पीड़ित लड़की विदेश की रहने वाली। लड़की का शोर सुनकर पड़ोसियों ने किया पुलिस को फोन, घर से यूरो और हैंडीकैम गायब। यूपी के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी के खिलाफ जमीन घोटाले का आरोप, परिवार वालों को मुफ्त में दिया जमीन का पट्टा। बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी ने उठाया मामला, जिस संस्था के नाम पर जमीन मिली उसका पता नहीं। अंबिका चौधरी ने जमीन हड़पने के आरोपों को बताया गलत, कहा राजनीतिक रंजिश है वजह। हरियाणा के करनाल में नाबालिग के साथ गैंगरेप, अगवा की गई लड़की स्टेशन से हुई बरामद। अगवा और बलात्कार मामले में 14 गिरफ्तार, आरोपियों में 1 युवती भी शामिल। नीलम के बाद आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, 24 की मौत। भारी बारिश से 10 जिलों में आफत, 68,000 लोग घर छोड़ने पर मजबूर। तेज बारिश और तूफान की वजह से 2 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। दिल्ली में दिन भर छाई रही धुंध, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं।
दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज, आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में डेंगू के बड़े मरीज, आंकड़ा 1200 के पार पहुंचा। सोमवार को दिल्ली में डेंगू के 39 नए केस आए सामने, साउथ एनसीडी में सबसे ज्यादा डेंगू के शिकार। पूरे एनसीआर में डेंगू का खौफ, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा में भी कई मामले सामने आए। मुंबई हमले के आरोपी कसाब को डेंगू होने की खबर, जेल में ही चल रहा है इलाज। कसाब को कई दिनों से तेज बुखार, डॉक्टरों को डेंगू होने की आशंका, जेल में ही जांच। टेस्ट मैच से पहले मुंबई में 3 दिनों का लगेगा कैंप, 9 तारीख से खिलाड़ी बहाएंगे पसीना। अहमदाबाद के मोंटेरा में होगा पहला टेस्ट मैच, 15 तारीख से शुरू होगी इंग्लैंड के खिलाफ जंग। मुंबई में नई चयन समिति ने 2 घंटे तक की टीम चुनने में माथापच्ची, कप्तान धोनी भी थे बैठक में मौजूद। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टेस्ट टीम के चयन से खुश, कहा अगर सहवाग नहीं हुए फिट तो मुरली विजय होंगे बेहतरीन ओपनर। आपका पसंदीदा चैनल आज तक एक बार फिर बना नंबर 1, मुंबई में मिला बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल का आईटी अवार्ड। लगातार 12वीं बार आज तक को मिला सर्वश्रेष्ठ चैनल का सम्मान, मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद ने दर्शकों का किया धन्यवाद। मुंबई में हुए एक समारोह में आज तक को मिला सम्मान, आज तक का एक बार फिर सबने माना लोहा। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने जताई खुशी, कहा लगातार 12 साल तक नंबर 1 बने रहना बड़ी उपलब्धि। आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे का भी दबदबा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का मिला अवार्ड। व्हाइट हाउस की ओर में ओबामा और रोमनी ने झोंकी सारी ताकत, कल होगा मतदान। न्यू हैम्पशायर में ओबामा का भाषण सुनने उमड़े हजारों लोग, क्लिंटन ने ओबामा के लिए मांगा समर्थन। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कार बम धमाके में कई घायल, होटल के पास हुआ विस्फोट। चीन के कई प्रांतों में कड़ाके की ठंड का कहर, हेबेई प्रांत में बारिश से जीना मुहाल। चीन के शांघाई में आतिशबाजी से रंगा आसमान, जिनशान बीच फेस्टिवल में जुटे कई मुल्कों के आतिशबाज।